आत्मा से ही आप जान सकेंगे कि ये आदमी सच्चा है या झूठा है, क्योंकि ये संपूर्ण तत्व है, एब्सोल्यूट जिसको कहते हैं। उसमें दो चीज नहीं, वो केवल है। उसमें दो चीज नहीं है कि जैसे कोई आदमी है उसको हमने देखा, ऊपर से हम कहे ना कहे लेकिन हम जान गए कि क्या है, जो जान गए सो ही सही है। आप कहेंगे कि साहब ये कैसे, क्योंकि जो जानने वाला है वो आत्मा है और वो केवल ज्ञान जानता है, केवल ज्ञान, वो अज्ञान नहीं जानता। और केवल ज्ञान में वो बराबर बता देगा कि ये चीज ऐसी है, माने वो सत्य स्वरूप है, एकदम आपके सामने साक्षात हो जाएगा। शुरुआत में तो आपको जरूर है कि अपनी उंगलियां हाथ पे देखना पड़ेगा कि चक्र कहाँ पकड़ रहे हैं, कौन सा इनका चक्र पकड़ रहा है, इनको कौन सी तकलीफ है, ये वो देखना पड़ेगा। बाद में ये करते करते अभ्यास से आप इतने माहिर हो जाएंगे कि देखते से आप बता देंगे। अब बहुत से लोग आते हैं, भाई तुम्हारा कोई गुरु नहीं? मेरा कोई गुरु नहीं। अरे भाई दिखाई दे रहा तुम्हारे पेट में कुमला रहा, लेकिन बोले नहीं मेरा कोई गुरु नहीं। अरे है, बता दो नाम तो जल्दी ठीक हो जाएगा। वो बताएंगे नहीं गुरु का नाम, माने मेरा भी समय बर्बाद करो, अपना भी बर्बाद करो, इतना बड़ा हमें काम करने का सारे विश्व का है। छोटी छोटी चीज में लोग अटक जाते हैं, क्यों नहीं उससे छुटकारा पाते। इस तरह से जब आप अपने सत्य को जानते हैं तो आश्चर्य होता है आपके अंदर। आप देखते हैं कि मेरे अंदर भी ये कैसा दोष आ गया, ये कहां से आ गया। जैसे आज एक लड़की से हम बात कर रहे थे कि भाई तुम्हारे लिवर की शिकायत है और तुम इतनी छोटी लड़की, बहुत जो आदमी सोचता उसको लिवर की शिकायत हो जाती, क्या तुम तला हुआ खाना बहुत खाती? नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, तो मैं पैदा हुई तभी से मुझे। क्या तुम्हारी माँ शराब पीती थी? नहीं, शराब नहीं, बाप मेरे शराब पीते थे। तो मैंने देखा यह है कि शराबी बाप का बच्चा जो होता है उसका लिवर बचपन से ही खराब होता है। तो आप पहले ही वरदान बच्चे को दे देते, उसका लीवर पहले ही बचपन से ही खराब होता है, पैदा होता है तभी से उसको जॉन्डिस हो जाएगा। अगर बाप शराबी है तो, अगर बाप का लीवर खराब है तो मां का लीवर खराब है तो बच्चे का भी लीवर खराब हो जाए। तो जो सत्य है उसको जानने के लिए अपना चित्त शुद्ध रखना चाहिए। अब उसका यह मतलब नहीं कि आप चित्त को धोते बैठे, लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो आप निर्विचार में आ जाएंगे। जब आज्ञा चक्र से कुंडलिनी ऊपर उठ जाएगी आप निर्विचार हो जाएंगे। ये जो विलंब का स्थान है इसको बढ़ाते जाना चाहिए, ये निर्विचारता बढ़ाती जानी चाहिए। उस वक्त आप शांत चित्त हो जाते, आप में शांति आ जाती है। जिस वक्त शांति होती है तभी कोई वृक्ष बढ़ता है। जिस वक्त आप निर्विचार होकर ध्यान में आ जाते हैं तो वृक्ष ठीक से बढ़ता है और प्रगति होती है। हर तरह का सत्य आप जान जाइएगा। हमारी तो बात छोड़िए, हम तो जानते ही हैं, लेकिन सहयोगी भी जो है वो कहते हैं माँ पता नहीं कैसे हमको लगा कि इस दुकान में जाए यही मिल जाएगी तो वहां चीज मिल गई। हमको लगा कि इस रास्ते पे चले जाए, वहां एक सहयोगी बैठा हुआ था, उसने कहा भाई मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, देखो यहाँ पे एक आदमी हमारा है रिश्तेदार बीमार पड़ा, चलो। कहीं कुछ ऐसी छोटी छोटी होती, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती है कि बड़ा आश्चर्य। और सत्य को आप तत्व पे जानते हैं कि तत्व कहाँ खराब है। जैसे कि पेड़ है, पेड़ को अगर आपको कोई उसका पत्ता खराब हो गया है तो आप पत्ते को नहीं ठीक कर सकते, आपको उसके जड़ में उतरना चाहिए, उसके तत्व में उतरना चाहिए और तब पेड़ ठीक हो जाता है। इसी प्रकार तो पहले तो आपको ये ज्ञात हो जाता है, विद हो जाता है, आपके उंगलियों पर विद हो जाता है, आप वेद को जान लेते हैं कि ये सत्य क्या है। दुनिया भर का ज्ञान आपके अंदर आ जाता है। अभी हम महाराष्ट्र में गए थे, बैलगाड़ी में जाना पड़ता है कि, तो बैलगाड़ी वाला आदमी उससे बातचीत शुरू करी, तो हमने कहा ये तो कबीर बैठा गाड़ी चला रहा हमारे। अरे हमने कहा सबने तुमने जाना कैसे? कहले भाई ये तो सब अंदर ही था ना, तो आपने लाइट दे दिया हमारे अंदर तो हमने सब जान लिया। बात तो सही कह रहा हूं ना? और मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, कमाल है तुम्हारी। तुकाराम कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? ज्ञानेश्वर जी कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? वो अवतरण तो थे नहीं,
लेकिन क्या ज्ञानी लोग थे, ये ज्ञान कहाँ से आया? ये हमारे ही अंदर सारा असल ज्ञान, जो केवल ज्ञान अपने अंदर है, उस ज्ञान को तब आप प्राप्त करते हैं। ये आपकी आत्मा की ज्योत है, जो जलने से आप प्रकाश में सांप को सांप देख सकते हैं और रस्सी को रस्सी देख सकते हैं। अनेक है इसकी चीज, अब इसको अभी बताने का इतना समय नहीं। तो ये सत है और चित्त भी है। आत्मा चित्त क्या है कि सामूहिक चित्त है। जैसे कि विराट के शरीर में आप अंग प्रत्यंग है, उस अंग प्रत्यंग को ये मालूम नहीं कि वो विराट के शरीर में। जब उसका आत्मा जागृत हो जाता है तो वो जानता है कि मैं विराट के शरीर में घूम रहा। उसकी सामूहिक चेतना जागृत हो जाती है, उसका चित्त सामूहिक होता है। जिसके अंदर आत्मा की ज्योत आ जाती है उसका चित्त सामूहिक होता है। माने आपका क्या प्रश्न है वो तो बताता ही, क्योंकि आपको आत्मदर्शन होते हैं, लेकिन दूसरों के प्रश्न भी बताता है। और अगर आप ये भी जान ले कि ये कैसे ठीक करना, तो वो भी वो ठीक कर देता। इसलिए सारा समग्र ज्ञान एक ही चीज का नहीं। अब समझ लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर कहेगा भाई देखो तुम अभी इसका, मैं तो डॉक्टर पेट का हूं, तुम इसको दांत वाले के पास ले जाओ। उधर वो सारे दांत निकालेगा, कहेगा भाई तुम्हारा दांत ठीक है। उसका दूसरा जाएगा कान फाड़ लेगा, ये कान ठीक है। तीसरा आंख निकालेगा, कहेगा आंख ठीक है। अंत में आप बीमार होकर के लौट आइए, डॉक्टर लोग माफ करें। लेकिन सहयोग में समग्र ज्ञान होता है। माने ये कि एक आदमी आया, माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा। अब ये कोई कहेगा अरे पेट में दर्द हो रहा, इसको कोई पेट की दवा, पेट की दवा नहीं, इसके अंदर कोई और चीज आ गई, उसको निकालना। इस पे किसी और का असर आ गया है, वो निकालना। कोई काली विद्या हो गई, वो निकालना। सारा समग्र ज्ञान सहयोग में आता है। ये नहीं कि इसके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, उसके लिए उसके पास जाओ। ये तो बच्चे हैं, अभी तो इन्होंने कुछ जाना ही नहीं। जो केवल ज्ञान है वो आपके अंदर है, और छोटे छोटे बच्चों को तक मालूम रहता है। छोटे छोटे बच्चे भी इस केवल ज्ञान को जानते हैं। हमारी एक नातिन है, बहुत छोटी सी थी, उनके पिता माता गए थे लद्दाख में, तो वहां एक लामा जी भी ढामा जी होते हैं सारे, तो लामा जी बैठे हुए थे सारे ऐसे ही हैं, एक से एक बढ़ के, किस किस का नाम ले। तो लड़की छोटी सी थी, उसने देखा उनकी ओर, तो सब पैर छू रहे थे, इन्होंने सोचा हम नहीं छुएंगे तो अच्छा नहीं दिखा, इन जाके पैर छुए तो उनको गुस्सा चढ़ गया। वो लड़की जाके उनके सामने खड़ी हुई, 5-6 साल की थी, ऐसे खड़े होकर कहती कि ये सर मुड़ाने से और ये चोगा पहन लेने से आप पार नहीं हो जाते हैं, आप क्यों सबसे अपने पैर छुआ रहे? ये खेलने हमारे तो काटो तो खून नहीं, एकदम उनके सामने कह दी उतरिए ऊपर से नीचे। 5 साल की लड़की ने कह डाला। एक प्रखंडानंदिनी, प्रखंडानंद जी कोई थे, और महर्षि कौन उनका था, क्या नाम, जो दक्षिण के हैं बहुत बड़े, वो बहुत बड़े पहुंचे गुरु थे, उनका 125 साल था, तो हमें उन्होंने विशेष रूप से अतिथि बुलाया था, वहां पहुंचे। प्रखंडानंद जी बैठे थे, प्रखंडानंद जी बड़ा सा एक चोगा पहन के बैठे। दूसरी हमारी नातिन थी, वो सामने बैठी थी, वहां से कहती नानी ये जिसने मैक्सी पहना इसको भगाओ तो इससे बड़ी गर्मी आ रही है, हम लोग सब जल रहे। वहां बहुत से सहयोगी थे, वो भी हंसने लगे। इतने प्रकांड पंडित छोटे छोटे बच्चे तक निकल आते हैं। उसका कारण यह है कि उनका चित्त आत्मा के प्रकाश से आलोकित है। पर सबसे बड़ी देन परमात्मा की यह है, आपकी शरीर व्यवस्था ठीक हो जाती है, मानसिक व्यवस्था ठीक हो जाती है, सारा क्षेम जिसमें कि आपकी आर्थिक अवस्था भी ठीक हो जाती है, सब चीज अवस्थाएं ठीक होने के बाद जो सबसे परम चीज है वो है आनंद। केवल आनंद का आप, निरानंद आप भोगते हैं। आनंद में सुख और दुख नहीं होता, आनंद एक केवल होता है। उसका अनुभव आपको आत्मज्ञान के बगैर आ नहीं सकता। लेकिन जो सादे भोले भाले लोग होते हैं वो फट से इसको पकड़ लेते हैं,
और जो बुद्धिमान होते हैं पहले ये उंगली क्या वो उंगली क्या माँ इधर से कैसे चलाना वैसे, और जो सीधे साधे लोग होते हैं माँ हम तो आनंद के सागर में तैर रहे हैं और सारा ज्ञान अपने आप ही जान जाते। इस प्रकार आत्मा का जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो प्रकट होता है हमारे चरित्र में, सारे आमूलाग्र हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है उसको देखकर लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि ये आदमी अरे बाप रे ये कहां से कहां पहुंच गया, ये पत्थर से हीरा कैसे बन गया। आज समय आ गया है ये खासकर बाहर के दिन आए जबकि अनेक अनेक फूल फलीभूत होने वाले हैं, इसलिए कार्य हो रहा है, समय की बात है, आज समय की ये बात है और इस समय पे आप लोग भी फलीभूत हो जाए और अपना जो कुछ सुकृत है अपना जो कुछ पुण्य है उसको आज पालें। जो कुछ आपकी धारणाएं हैं जो कुछ भी आपने सोच रखा है वो परमात्मा नहीं, जो है सो है, उसको आप बदल नहीं सकते, आपको बदलना होगा और समझना पड़ेगा परमात्मा। अपनी धारणाओं को छोड़ दीजिए और देखिए प्रत्यक्ष में जैसे एक साइंटिस्ट देखता है खुली आंख से कि क्या चीज है इसे देखा जाए, इस प्रकार आप भी इसे खुली आंख से देखें। परमात्मा आप सबको आशीर्वादित करे। रहने वाले थे, बाद में पता हुआ कितने भक्त लोग हैं, हमने तो सोचा जैसे पिछले समय कुछ हमारा सर खाने वाले लोग आए थे वैसे फिर आके सरी खाएंगे, तो हमने कहा भाई दो दिन में चल लेते बनो अपना ठीक है, अब ऐसा ना हो कि जयपुर वाले कहें कि नहीं आए थे, फिर अगले वक्त 8 दिन आके रहेंगे मौज। आप लोग भी दिल्ली आइए, दिल्ली में अभी 7 दिन का प्रोग्राम, कल से बेटे 12 खम्बा रोड पे शंकरलाल हॉल में कल से 7 बजे शाम को प्रोग्राम। मद्रास से भी लोग आते हैं, फिर जयपुर के लोगों को तो आना चाहिए। अब ये लोग तो कितने प्रदेश से आए हैं आप जानते हैं, हजारों मील से 370 आदमी आए थे, इनको सबको एक एक को चुन चुन के लाते हैं क्योंकि हजारों लोग हैं, यहाँ रहने की व्यवस्था करना वगैरह बड़ा कठिन है। अब सब चले गए, थोड़े बहुत बचे हैं जो आपके जयपुर आए, ऐसा था मैंने कहा था कि कोई प्रश्न हो तो मुझे लिख के दे दीजिए, किसी ने भी मुझे प्रश्न लिख के नहीं दिया, इसका मतलब यह है कि आपको कोई प्रश्न नहीं रहा, अब अनुभव की बात है। सो हम फिर से आज कुंडलिनी को फिर से चढ़ाएंगे और कल जिस तरह से किया था उसी प्रकार आज भी ध्यान करेंगे। डॉक्टर साहब ने आज सवेरे सबको समझा के बताया है कि चक्रों में किस तरह से गति करनी चाहिए, किस तरह से अपने को पाँ का कवच देना चाहिए आदि। अब ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर काफी बाधाएं हैं, उनको श्रद्धा पूर्वक नम्रता पूर्वक उन बाधाओं को निकालना चाहिए और मेहनत करने से हर तरह के रोग ठीक हो जाते हैं, किसी में अधिक समय किसी में कम, मानसिक रोग भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन किसी किसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसमें पैसा नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, सिर्फ श्रद्धा और मेहनत, पार होने की कोई मेहनत नहीं, वो तो सहज में हो जाता है, लेकिन सबका नहीं, आप देख रहे हैं कुछ कुछ लोग नहीं पार होते हैं, बड़ी मुश्किल कर देते हैं, उसका कारण यह है कि काफी घुमाव फिराव जीवन में आ गया है, कोई हर्ज नहीं, हम तो पूरी तरह से मेहनत करने के लिए आए ही हैं और करेंगे। एक बात जान लेनी चाहिए कि परमात्मा के नाम पर कोई भी रुपया पैसा इकट्ठा करना महापाप है। ठीक है मंदिर बना रहे उसके लिए पैसा करो इकट्ठा, समझ लीजिए ये आपने बत्तियां लगाई इसके लिए आप पैसा इकट्ठा कर लो, कोई हर्ज नहीं,
पर आप चैतन्य को पैसे से खरीद नहीं सकते, उसके लिए आप पैसा नहीं दे सकते। परमात्मा पैसा नहीं समझता, और यह सहज है, जितना मनुष्य सहज स्वभाव का होगा उतना ही वो जल्दी पाता है, और जो असहज होगा उसको कठिनाई से पाता है। और थोड़ा पानी, आज आप लोगों से विदा भी लेनी है, इसलिए मेरा एक माँ का हाल ये होता है कि हर जगह से जब जाती तो उसको लगता है कि अपने बच्चों को छोड़ के जा रही